स्टूडेंट वेलकम टू यूनिट क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बेस उसी के ऊपर करेंगे, खास करके क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मैंने मेथड बताई थी वैसे ही अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलो करते हैं, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 1/√2 को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम अज्यूम करेंगे। तो क्या लेंगे हम, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट रूट क्या है, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म या a बाई बी फॉर्म। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू या a बाई बी, इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम, खास करके को प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। समझ में आया, a और b क्या है, को प्राइम। और को प्राइम का मतलब क्या, कि वो नंबर जिसमें क्या है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हुआ मतलब वो कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या कि सिर्फ 1 ही दोनों के बीच में क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। इतना समझ गया। तब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/√2 इक्वल टू a बाई बी। अब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय रीअरेंजिंग वी गेट क्या मिलेगा हमको, बाई रीअरेंजिंग वी गेट क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे रीअरेंज करते हैं मतलब इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, रीअरेंज नहीं करना हो तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे हम हटाएंगे क्या, रूट को हटाएंगे। तो क्या करेंगे, रूट से मल्टीप्लाई, रूट से डिवाइड, मतलब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। मतलब अगर नीचे रूट है तो रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड। अब 1/√2 क्या होगा, वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रूट टू, और रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा, टू, क्या होगा, टू इक्वल टू ए बाई बी। अब हम रीअरेंज करेंगे मतलब टू को इधर ले जाऊंगा तो क्या मिलेगा, रूट टू इक्वल टू टू ए बाई बी, क्या मिलेगा, रूट टू इक्वल टू टू ए बाई बी। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब क्या, कि वो तो इंटीजर होंगे, मतलब वैल्यू होगी 1, 2, 3, ये इंटीजर है। मतलब ये क्या मिला है, इससे क्या पता चला कि ये पूरा राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल नंबर है। और यहाँ पे रूट टू तो इरेशनल नंबर है, हमको पहले से पता है रूट टू, रूट फाइव, रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, क्या बताएंगे हम यहाँ पे, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, सो क्या मिलेगा, सो 2A by B इज अ रेशनल नंबर, 2A by B इज अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या सोचा था, 2A by B रेशनल नंबर वो सही है, लेकिन हमको क्या पता है कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, बट We know that root 2 is irrational number. समझ में आया इतना, क्या बोला मैंने, root 2 तो irrational है, लेकिन ये इसको हमने क्या माना, ये तो rational मिला, मतलब हमने जो सोचा था, क्या सोचा था कि ये number rational है, वो हमने wrong सोचा है। तो हम क्या लिखेंगे, our assumption is wrong, क्या लिखेंगे, Our assumption is wrong या incorrect. Therefore, क्या मिलेगा, 1/√2 is irrational number. मतलब हमने क्या लगाया, वापस समझाता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने लिया ये जो भी नंबर है उसको हमने क्या लिया, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है मतलब इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, p बाई क्यू या a बाई बी फॉर्म में। और a और b क्या है, दोनों को प्राइम है, क्या है, दोनों
को प्राइम है, उसके बाद हमने क्या किया, रीअरेंज करा। रीअरेंज करने के बाद हमने क्या एक इक्वेशन बनाई, क्या कौन सी इक्वेशन, 2a by b एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है, क्योंकि a और b क्या इंटीजर है, इंटीजर मतलब कुछ वैल्यू होगी, अगर कुछ वैल्यू है तो मतलब वो क्या है, वो रेशनल, रेशनल के अंदर आएगा, मतलब वो रेशनल नंबर है। बट हमको क्या पता है, पहले से एग्जाम में दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 1/√2 आपको एग्जाम में पूछा है इरेशनल ग्रुप है, तो कैसा है? अंदर क्वेश्चन में ही होगा, क्या होगा, वी नो दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, सो दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, मतलब पहले से बोल देंगे कि रूट टू इरेशनल है, तो वैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा है वो, 7/√5। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन है, 7/√5। याद रखना, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आया सीबीएसई में तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वी नो दैट हमको दिया होगा √5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 7/√5 इरेशनल नंबर, मतलब क्या दिया है हमको, पहले से देंगे √5 इरेशनल है और हमको शो करना है 7/√5 इरेशनल नंबर है। तो चलो सबसे पहले करते हैं हम यहां पे, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम दैट 7/√5 इज इरेशनल नंबर, ये हमने अज्यूम किया, तो हम इसको किसमें लिख सकते हैं, a by b के फॉर्म में, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ a by b, वेयर वेयर a एंड b आर को प्राइम। सब में स्टेप तो सेम ही है, सबसे पहले मानेंगे हम जो भी नंबर दिया हो, सबसे पहले लिख डालेंगे, लेट अस अज्यूम दैट वो नंबर इज इरेशनल नंबर, सबसे पहले वो मानेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी फॉर्म, ए बाय बी एंड वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, सबसे पहले ये मान लिया हमने। अब हम करेंगे क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, मतलब 7/√5 इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बाय बी, मैं क्या करता हूँ इसको रीअरेंज करता हूँ, बाय रीअरेंजिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, बाय रीअरेंजिंग रूट फाइव को इस तरफ लिखता हूँ और ए बाय 7b को इस तरफ लिखता हूँ, समझ में आइए। अब हमको क्या पता है, वेयर सिंस, क्या हमको पता है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर है, मतलब कोई नंबर की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब कोई वैल्यू होगी, तो ये 7 से डिवाइड करेंगे वो भी कोई एक वैल्यू मिलेगी, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो ये नंबर क्या है, पूरा पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, मतलब ये नंबर रेशनल बनेगा। और हमको पता है, क्या पता है, √5 तो पहले से इरेशनल नंबर है, तो हमने जो सोचा, क्या सोचा, 7/√5 इज अ रेशनल नंबर, वो रॉन्ग सोचा है, तो हम यहां पे लिख डालते हैं पूरी मेथड वापस, क्या है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, सो क्या होगा, 7/7b इज अ रेशनल नंबर, 7/a/7b इज अ रेशनल नंबर, बट वी नो दैट, क्या हमको पता है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, तो क्या होगा इससे, हमने माना कि ये सबसे पहले हमने लिया था ये रेशनल नंबर है, लेकिन हमको पता है √5 इरेशनल है, मतलब हमने जो सोचा था वो रॉन्ग सोचा है, मतलब इसे क्या पता चला कि 7/√5 इज इरेशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे, सो आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर क्या मिलेगा हमको, 7/√5 इज इरेशनल नंबर, इस इरेशनल नंबर। हमने ये कौन सी मेथड लगाई, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कौन सी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब क्या मानेंगे, इसके उल्टा मानेंगे, सबसे पहले ये इसको बताना है इरेशनल, तो इसको भी सबसे पहले हम बोलेंगे ये रेशनल नंबर है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, उसके उसकी उसी तरीके से ये 7/√5। और याद रखना, एग्जाम में एक तो क्वेश्चन होता ही है √5 को इरेशनल प्रूव करो, √3 को करो, या कुछ और तरीके से एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आता ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे उससे आगे।